क्या तैमूर भी इतनी ही शिद्दत से चाहता है तुम्हें? उनका तो नहीं मुझे पता, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं तैमूर के बिना जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मर जाऊंगी लेकिन तैमूर के बिना नहीं रहूंगी। अरे फलक आ जाओ यार, बहुत भूख लगी है, जल्दी आ जाओ। आप स्टार्ट करें ना, मुझे भूख नहीं है अभी। क्यों, तुम्हें भूख क्यों नहीं है? सोने दोपहर में लेट खाना खाया था। नहीं, खाना तो नहीं खाया, वो ज़ारा आई हुई थी, उसके साथ मैंने चाय और फिर कुछ रिफ्रेशमेंट कर ली। अच्छा, ज़ारा आई थी। आप मुझे बताएं ऑफिस का पहला दिन कैसे था? बहुत अच्छा, बहुत मसरूफ। मेरे एक दो पुराने क्लाइंट से बात हुई है और वो अग्री मेरे साथ काम करने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब आप देखिएगा अल्लाह हमारे लिए कैसे रास्ते खोलता। जब इंसान की नीयत साफ होती है ना, सब कुछ आसान हो जाता है। आप जैसे टैलेंटेड शख्स को पैसे की बात नहीं करनी चाहिए। आपने पहले भी सब कुछ अपनी काबिलियत पे हासिल किया, तो आप क्यों नहीं? मार्केट में लोग आपको आपके काम से जानते हैं, और मुझे इतना भी यकीन है कि लोग आपके साथ खुशी खुशी काम करना पसंद करेंगे। क्या बाप, कुछ अपसेट हैं आप? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे लगता है आपको कोई बात परेशान कर रही है। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि आप जब परेशान होते हैं आपके चेहरे पे आ जाता है। मजाक तो नहीं करी तुम? अच्छा मुझे बताएं हुआ क्या? सोहेल भाई ने किसी के हाथ पैगाम भिजवाया कि अगर मैं और तुम किसी भाभी से जाके माफी मांग लेंगे तो वो हमें शायद माफ कर दें। और आपने क्या जवाब दिया? फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा, और वो वक्त बहुत करीब है। वकील साहब चले गए? हाँ। लेट हो गई आज मैं, मुझे भी वकील साहब से मिलना था। आ गई तुम शॉपिंग से? सब कुछ आपके नाम हो गया? हाँ, देख लो तुम।
ये घर तो पहले ही तुम्हारे नाम है। बिजनेस सब मुकम्मल तौर पर मेरे नाम है। कमर्शियल एरिया में जो प्लॉट्स थे वो भी हो गए ना नाम? हाँ। शुक्र है आखिरकार सब कुछ हमारे नाम हो गया। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत ज्यादा। पहले भी सब कुछ हमारा ही था किंसर। लगता है आपके फ्रॉडिये भाई की मोहब्बत आपके दिल से अभी तक गई नहीं है। प्लीज गलत बात मत करो। तैमूर ने कोई फ्रॉड नहीं किया था। आपकी शक भरी नजरें बता रही हैं कि आप मुझे बहरूपिया, दगाबाज, छोटा ये सब समझते हैं। और अपने भाई को मासूम, सीधा साधा है ना? ये बहस सब फजूल है। दिल दुखाया था ना उसने मेरा? देखो अल्लाह ने कैसी सजा दी। सुना है बिजनेस भी नहीं चल रहा उसका, ऑफिस तक किराए का है और किराए भरने के पैसे नहीं है उसके पास। अच्छा सुनो, वो मेरी रिपोर्ट्स कब तक आएगी? चार महीने हो गए। सर दर्द की वजह से मैं रात भर सो नहीं पा रहा, बहुत तकलीफ में हूं। आ जाएंगी अगले हफ्ते तक। और सब कुछ ठीक होगा, देख लीजिएगा। अब मेरी जिंदगी में कुछ भी बुरा नहीं होने वाला।